मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार के मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता संकट काल में जनता के बीच रहे लोगों के काम धंधे बंद पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद राशन नहीं बट रहा है, किसान भी लगातार परेशान हो रहे हैं, भाजपा के अंदर डैमेज कंट्रोल चल रहा है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। जब होगा तो हमारी महिला कांग्रेस इस सबका पूरी जोर शोर से विरोध करेगी। लगातार कि स्कूल के बच्चों की ट्यूशन, ये बार बार नोटिस देके मिले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तुरंत रोक लगाए, और जब नो स्कूल नो ट्यूशन, जब स्कूल नहीं लग रही है तो ट्यूशन किस बात का, इस ट्यूशन फी किस बात की, इसलिए ट्यूशन फी पर रोक लगे, ये हमारी मांग है। इनका जो शुरू किया है इसका कार्य शुरू कर चुके थे, उसका श्रेय शिवराज जी लेना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जो काम हो गए कमलनाथ जी शुरू किए थे उसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं करें। अगर कुछ कर सकते हैं तो जो ऋण माफ़ी उन्होंने शुरू की थी 25 लाख लोगों की, और 1 लाख तक के हो गए थे, 1 जून से 2 लाख इनका ऋण है, फसल ऋण माफ़ी वो जो शुरू होने वाला था उसको करें, और किसानों को राहत दें, और फिर इसका अगर वो लेना चाहते हैं श्रेय तो ले लें, लेकिन किसानों को राहत दें, उनका ऋण माफ़ करें। भारतीय जनता पार्टी में जो पीड़ित हो गए हैं, प्रताड़ित हो गए हैं, वो नेता हैं, चाहे वो बालेंद्र शुक्ला जी हों, चाहे प्रेमचंद गुड्डू हों, चाहे जो BSP के बहुत से नेता जो आए, ये स्वतः आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहीं किसी को अप्रोच नहीं की, वो वहाँ की जो प्रताड़ना है और जो उनके सिद्धांत है संविधान को तोड़ने के, संविधान को ख़त्म करने के, कि ये धारा ख़त्म कर दो, वो धारा ख़त्म कर दो, धारा 30 ख़त्म कर दो, इन सब बातों को लेकर ये प्रताड़ित होकर प्रताड़ना से वो कांग्रेस में आ रहे हैं। कांग्रेस के सिद्धांतों में उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की। मुख्यमंत्री जी आए नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ, कहा गया कि साहब वो संकट मोचक है, वो चले तो वहाँ अनूप मिश्रा और सभी से मिल रहे हैं एक एक करके, जब पवैया जी से और सभी नेताओं से, तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है मामला। दूसरा, मंत्रिमंडल का विस्तार, 3 बार तारीखें आई, गवर्नर से मिल लिए, दिल्ली आए, वो हो नहीं पा रहा है, तो निश्चित तौर पर घमासान भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है। और 70-75 विधायक और बहुत से ऐसे हैं 20-25 जिनका आखिरी कहते हैं मौका है, वो सब लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर एक बात कही है कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, जिनको ये BJP हल्के में ले रही, जिनने एक बार प्रधानमंत्री जी से कह दिया था कि जब मैं केंद्र मंत्री था आप मुख्यमंत्री थे, हमने बहुत पैसे दिए, अब आपकी बारी है, तो प्रधानमंत्री ने हम बहुत पैसा देंगे, पर तब भी नहीं दिया और अब भी नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो उनने कहा था कि जो सियासत आपने शुरू की है ख़त्म कमलनाथ जी करेंगे। देखो, शराब की दुकानों पर महिला आबकारी निरीक्षक शराब बेचती हुई नजर आएंगी, तो कौन सा सम्मान और कौन सी, बहुत ही ताज्जुब और आश्चर्यजनक बात है कि महिला जिसको देवी स्वरूप इस देश के अंदर माना जाता है, शराब बेचने के लिए इतने उतारू हों कि राजस्व निरीक्षक या आबकारी निरीक्षक उनसे शराब बिकवाई जाएगी, ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मंदिर और धर्मस्थल, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, इसको खोल नहीं रहे, रेस्टोरेंट और बाकी सब खोल दिया, मॉल वगैरह, लेकिन इसको खोलने में दिक्कत आ रही है। मैं समझता हूँ कि क्या इस भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की हमेशा बात करती थी, धर्मों में आस्था ख़त्म हो गई है, हिंदू धर्म में आस्था ख़त्म हो गई है, जो डर रहे हैं मंदिर खोलने में। मैं समझता हूँ कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग और जितना डिसिप्लिन धर्म स्थलों पर हो सकता है, मंदिरों में हो सकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में हो सकता है, उतना ये मॉल और रेस्टोरेंट और इन सब में नहीं होगा। इसलिए तुरंत धर्मस्थल, सभी धर्मों के धर्मस्थल तुरंत खोलने के आदेश मध्य प्रदेश की सरकार को देना चाहिए। इस प्रदेश के ही नहीं, देश के बड़े नेता रहे हैं, 10 साल केंद्र में, सालों साल केंद्र में मंत्री रहे,
और वहाँ की सियासत को चलाया है, वहाँ के संसदीय कार्य मंत्री रहे और प्रधान जो भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, चाहे मनमोहन सिंह जी या नरसिम्हा जी के ज़माने में, पूरा फ्लोर मैनेजमेंट वो करते थे। और मैं समझता हूँ कि बहुत अचीवमेंट है। 15 महीने भी नहीं, कहते हैं 11.5 महीने थे, 1 महीने तो ये सौदेबाजी और खरीद फरोख्त में जो कर रही थी बीजेपी उसमें निकल गया, 2 महीने निकल गए लोकसभा के चुनाव में, 2.5 महीने, कुल मिला के 11, 11.5 महीने में जो एक छवि उन्होंने इस प्रदेश की बनाई थी, कर्नाटक, आंध्रा और बड़े बड़े प्रदेश जो विकसित प्रदेश थे उनके मामले में महाराष्ट्र जैसी, उसको मटिया मेट कर दिया अभी की सरकार ने। इन 2.5 महीनों के अंदर बेरोजगारी 15 लाख से ज़्यादा बेरोजगार लोग हुए हैं, मजदूरों को रोजगार नहीं, उनके अकाउंट में पैसे भेजना था वो नहीं भेजे, जो भी योजनाओं को केवल घोषणाएं की, और 20 लाख करोड़ की जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी आज है कहाँ, किसको मिला, यही नहीं समझ में आता, गया कहाँ पैसा वो। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, अमित शाह जी से लेके इतने बड़े बड़े नेता हैं, ये कहाँ जा रहे हैं जनता के बीच में। और तो और इंदौर मुख्यमंत्री जी 2.5 महीने के बाद जा रहे हैं, और इंदौर के लोग कह रहे हैं बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, 2.5 महीने, सबसे हिंदुस्तान का 6ठा शहर जो संक्रमित है, लेकिन कोई मंत्री या कोई नेता वहाँ नहीं गया उन लोगों की कुशल क्षेम पूछने के लिए। अगर क्या है कि जब भी कहीं तो मुख्यमंत्री या मंत्री पहुँच कर सब चीज़ों की मीटिंग लेते हैं, जो आज लेने जा रहे हैं कलेक्ट्रेट में, तो मैं समझता हूँ कि इंदौर में इतना बिगाड़ नहीं होता। और कहाँ गए लोग, कहाँ मिले उनके नेता है, वहाँ कांग्रेस के नेता तो फिर भी गए जनता के बीच में, इस बीच मिले लोगों से, बात की और उनकी मदद की है, चाहे जो प्रवासी मजदूर आए उनके लिए, और चाहे गरीब लोग जो परेशान हो रहे थे, और कमलनाथ जी ने सबसे पहले जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाए ये बात कही थी, जिसको हमने फॉलो किया, और यहाँ पे राशन पहले 5 किलो फिर 10 किलो बंटवाया। आज राशन नहीं बंट रहा है, अभी लोगों के काम शुरू नहीं हुए, काम धंधे लोगों को, गरीबों को काम नहीं मिला हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं चल रही है, लेकिन राशन बंटना बंद हो गया है। किसी पेपर में छपा भी था कि वो बीजेपी के नेताओं की पर्ची से ही बंट रहा है, मैं समझता हूँ ये बड़ा दुखद है। किसान परेशान है, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, लंबी लाइन लगी है, अनाज खरीदना लगभग, गेहूँ खरीदना लगभग बंद कर दिया है, तो कुल मिला के ये लोगों के बीच में नहीं गए, ये भी केवल मंत्रालय से या अपने कार्यालयों से ही बात करते रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।